हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप केवल कक्षा 10वीं पास हैं और वाटर डिपार्टमेंट को ज्वाइन करके परमानेंट सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जल विभाग की तरफ से आ चुकी नई भर्ती 2024 के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए भर्तियों के कंप्लीट नोटिफिकेशन और आवेदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। मैंने एक हेडिंग यहाँ पर लगा के रखी है, जीडीएस वालों जरूर इस वीडियो को देखना, क्योंकि अगर आपको एग्जाम के बेसिस पे, इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन चाहिए तो केवल आपको यहीं पे ऐसा मौका मिलने वाला है। आपके लेवल की पोस्टें हैं और बहुत ही अच्छी सैलरी है, बहुत ही अच्छी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। जीडीएस का कोई भी मुकाबला इस वैकेंसी के साथ नहीं हो सकता है। दोस्तों, आप सभी के लिए एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, एससीडी स्टाफ, कार ड्राइवर असिस्टेंट और स्टोर कीपर समेत और भी कई सारी पोस्टें हैं जिनके लिए आवेदन करने का मौका आपको मिलेगा। कुछ पोस्टों के लिए क्वालिफिकेशन 10वीं पास है, कुछ पोस्टों के लिए 12वीं पास है। कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए, इसके बारे में आगे नोटिफिकेशन में बात करेंगे। जो शुरुआती वेतन है वो 35,400 का है, जो कि बढ़ के 1,12,400 रुपये तक जाएगा। ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। एग्ज़ाम के साथ ही साथ आपको इंटरव्यू भी देना होगा। तो अगर आप फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं, इंटरव्यू क्वालिफाई का दम रखते हैं तो आपको ज़रूर से आवेदन करना चाहिए। आवेदन करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा समय है। देखें, 21 सितंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन चलेंगे, जो कि आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कर पाएंगे। दोस्तों, इसी वीडियो में आवेदन करने का प्रोसेस बताएंगे। इसके लिए इस वीडियो को आप लाइक कर दें और आगे आने वाली वीडियो की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। आइए चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक ऑफिशियल वेबसाइट प्लस नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आवेदन करने का नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लोग क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। यहाँ पे आके सबसे पहला काम करना है आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी कनेक्टेड हो जाना है। डिपार्टमेंट की बात करें तो IWAI यानी कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्वायरमेंट है 2024 के लिए। अधिक जानकारी के लिए गूगल सर्च करेंगे naukrikhabar.com, आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी और लेटेस्ट जॉब के सेक्शन के अंदर इन जैसी कई सारी जॉब वैकेंसी की अपडेट भी मिल जाएंगी। दोस्तों, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है और एक आपसे थोड़ा सपोर्ट चाहिए था, फीडबैक चाहिए था आप सभी के लिए। हमने sarkarijob.net नाम की एक नई वेबसाइट बनाई है, आप इसको ईजिली गूगल पे टाइप कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। सरकारी जॉब लिखने के बाद आपको डॉट लगाकर NET लिखना है, डॉट नहीं भी लगाते हैं, NET लिखते हैं तो आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। तो आपसे फीडबैक ये चाहिए कि आप एक बार वेबसाइट पे विजिट करें। आप चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके भी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया। इसको आपको गूगल पे टाइप करना है, फीडबैक ये है कि ये वेबसाइट कैसी काम कर रही है, लोडिंग स्पीड कैसी है, कंटेंट क्वालिटी कैसा है। यहाँ पे जो हमने आपके लिए प्रोवाइड करवाया आप लोग इसको भी चेक कर सकते हैं। जैसे लेटेस्ट जॉब के अंदर बहुत सारी सेंट्रल लेवल की जॉब्स हैं, इनको आप लोग देख सकते हैं एक एक पोस्ट को ओपन करके, और कमेंट सेक्शन के अंदर आपको वेबसाइट में ही डालना है अपना फीडबैक, यानी रिजल्ट से रिलेटेड हमने अपडेट कर रखा है, ये भी आपको चेक करना है। बैकएंड में टीम इस पर काम कर रही है, बहुत जल्द ये पब्लिकली लाइव होगी। और इसके लिए एक नया चैनल भी बनाया, जो कि आपको हमारे नौकरी खबर चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करें sarkarijob.net को, और एक बार गूगल पे जाके sarkarijob.net जरूर टाइप करें ताकि हमको फीडबैक मिल सके कि ये वेबसाइट कैसी वर्क कर रही है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो अभी आप लोग यहां पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। तो 16 अगस्त 2024 से आवेदन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, जिसकी आखिरी डेट आने वाली 21 सितंबर 2024 की है, यानी आपके पास अच्छा खासा समय है, आपको आसानी से
आवेदन करना है। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं यानी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस उनको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे और जो एससी एसटी और पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 200 रुपये पे करने पड़ेंगे। एप्लीकेशन फीस आपका लगेगा क्योंकि ये एक ब्रांड गवर्नमेंट जॉब है, यानी इससे बेहतर जॉब आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। उम्र के बारे में बात करें तो कम से कम आपने 18 साल कंप्लीट किया हो, अधिक से अधिक 35 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है जो कि पोस्ट वाइज नोटिफिकेशन में देखेंगे। अभी हम केवल यहाँ पे बात करते हैं नेम ऑफ दी पोस्ट की। तो यहाँ पे देखिए जो पहली पोस्ट है वो असिस्टेंट डायरेक्टर की है। इसके बाद आपको असिस्टेंट हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर की पोस्ट मिलती है। थर्ड नंबर पर आपको लाइसेंस इंजन ड्राइवर की पोस्ट मिलती है। फोर्थ नंबर पर आपको जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्टें मिलती है। इसके बाद आपको ड्रग कंट्रोल ऑपरेटर की पोस्टें मिलती हैं। देन इसके बाद आपको स्टोर कीपर की पोस्टें मिलती हैं, मास्टर सेकंड क्लास की पोस्टें मिलती हैं, एससीडी यानी स्टाफ कार ड्राइवर की पोस्टें मिलती हैं, मास्टर थर्ड क्लास की पोस्टें भी आपको मिलती हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी भी है और आखिरी में आपको टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर भी भर्तियां देखने को मिलेंगी। यानी यहाँ पे आपके पास भर भर की पोस्टें हैं। टोटल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो 10वीं पास, 12वीं पास, डिप्लोमा पास, डिग्री पास कैंडिडेट किसी भी पोस्ट वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकता है। ये क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज अलग अलग होगा जो आगे आपको नोटिफिकेशन में दिखाएंगे। सेंट्रल लेवल की जॉब है, ऑल इंडिया लेवल के कैंडिडेट आवेदन करेंगे। मेल और फीमेल यानी महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। टुडे टॉप जॉब लिस्ट की बात करें तो आज की नई नौकरियों की जानकारी यहां पर दे दी गई है। आप लोग क्लिकर की बटन पर क्लिक करके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे या फिर पसंदीदा डिपार्टमेंट के बेसिस पे जॉब की जानकारी ले सकते हैं और जिस भी जॉब के लिए एलिजिबल हो आवेदन भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वेतन के बारे में। वेतन आपका 35,400 शुरुआती और आखिरी में 1,12,400 तक आपको मिलेगा। इसके बाद आपका सिलेक्शन है जो CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। फाइनल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होना है। हाउ टू फिल, कैसे आप लोग आवेदन कर सकते हैं, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। यूजफुल इंपॉर्टेंट लिंक है जहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलता है, साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको मिलता है। यहाँ पे आपको अप्लाई का लिंक मिलेगा। पहले हम नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आवेदन करने का प्रोसेस आपको बताएंगे। नोटिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे क्लिकर की बटन पे एक बार क्लिक करना है। क्लिक करते ही PDF फॉर्मेट में आपका नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। अभी आप लोग यहां पर देख सकते हैं 7/8/2024 यानी 7 अगस्त के दिन ही नोटिफिकेशन आ गया था। भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आपका रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे आते हैं, इम्पोर्टेंट नोटिस है, लेकिन उससे पहले आपको इम्पोर्टेंट डेट को समझना होगा। इसको देखिए आप लोग, जो ऑनलाइन डेट है, एप्लीकेशन है, ओपनिंग है, वो 16/8/2024 यानी 16 अगस्त की है और जो क्लोजिंग डेट यहाँ पे आपको दी गई है वो पहले तो 15/9/2024 यानी 15 सितंबर तक की थी, लेकिन इसको एक्सटेंड किया गया है यानी बढ़ा के 21/9/2024 किया गया, यानी अब आप लोग 21 सितंबर तक आवेदन कर पाएंगे। अब यहाँ से आपकी वैकेंसी स्टार्ट होती है। यहाँ आपको पोस्ट कोड, पोस्ट नेम, जो भी सैलरी आपकी है, मैक्सिमम एज और वैकेंसियाँ और कैटेगरी वाइज वैकेंसी यानी UR, OBC, EWS, SC, ST, PWD और एक्स सर्विसमैन की वैकेंसियाँ मिलती हैं। मैं दो चीज़ें बताऊंगा, एक तो आपको पोस्ट और उनकी सैलरी। तो पहली पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर की है, लेवल 10 में 56,100 से 1,77,500 की सैलरी है। असिस्टेंट हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर की पोस्ट है, सेम सैलरी है। लाइसेंस इंजन ड्राइवर के लिए लेवल 6 में 35,400 से 1,12,400 की सैलरी है। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर में सेम सैलरी है। इसके बाद ड्रग कंट्रोल ऑपरेटर में आपको सेम सैलरी मिलती है। स्टोर कीपर में 25,500 से 81,100 रुपये लेवल 4 में सैलरी है। इसके बाद मास्टर सेकंड क्लास में सेम सैलरी। स्टाफ कार ड्राइवर के अंदर लेवल 2 में 19,900 से 63,200 और मास्टर थर्ड क्लास में भी सेम सैलरी आपको मिलती है। MTS के लिए 18,000 से 56,900 लेवल 1 में और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए लेवल 6 में 35,400 से 1,12,400 की सैलरी है। इसके बाद यहां से नीचे आते हैं तो आप यहां पे मेडिकल वगैरह चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहां पे आपका क्वालिफिकेशन है, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए डिग्री चाहिए होगी,
असिस्टेंट हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर के लिए भी डिग्री ही चाहिए होगी। इसके बाद लाइसेंस इंजन ड्राइवर के लिए मैट्रिकुलेशन चाहिए होगा यानी 10वीं पास। इसके बाद जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर के लिए डिग्री चाहिए होगी कॉमर्स में। इसके बाद ट्रेडर कंट्रोल ऑपरेटर के लिए मैट्रिकुलेशन और साथ में कोई सर्टिफिकेट भी चाहिए। स्टोर कीपर के लिए डिग्री चाहिए होगा। मास्टर सेकंड क्लास के लिए सर्टिफिकेट चाहिए होगा। स्टाफ कार ड्राइवर के लिए यहाँ पे वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस और कक्षा 8वीं पास चाहिए होगा। मास्टर थर्ड क्लास के अंदर भी यहाँ पे आपको स्विमिंग आनी चाहिए और यहाँ पे इसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। MTS के लिए मैट्रिकुलेशन कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन करेंगे। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए डिग्री या फिर डिप्लोमा चाहिए होगा। इसके बाद आपकी उम्र है जिसके अंदर आपको छूट कहाँ पे कितनी मिलनी है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। अप्लीकेशन फीस यहाँ पे 500 जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं और बाकी बचे हुए कैंडिडेट 200 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस पे करेंगे। अभी यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, कैसे आप लोग आवेदन कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी है। बैक करते हैं, आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। अप्लाई ऑनलाइन के सामने आपको क्लिकर की लिंक मिलती है, एक बार आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप लोग डायरेक्ट आवेदन करने वाले पेज पे आ जाएंगे जो कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक तो रजिस्टर्ड का, एक लॉगिन का। दोस्तों इस वीडियो के लिए पूरे 300 लाइक का टारगेट है। अगर आप लोग कंप्लीट करते हैं तो इस जो है तो वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आवेदन करने का कंप्लीट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। अभी के लिए आप एडवर्टाइजमेंट को रीड करें, अभी आपके पास समय है, आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। 16 से लेकर 21 सितंबर शाम के रात के 12 बजे तक आप लोग आवेदन करेंगे, तो आप लोग वेट करें, वीडियो का 300 लाइक कंप्लीट करें ताकि आपको आवेदन करने की वीडियो मिल सके। और जो फीडबैक मैंने मांगा है उसको ज़रूर दीजिएगा। सरकारीjob.net पे आपको जाना है, गूगल पे टाइप करना है सरकारी जॉब, उसके बाद NET.net टाइप करेंगे, आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।